Hello everyone, this is Dr. Jitu Singh Rana. Today I will teach you modern theory of rent. इस थ्योरी में हम आज ये डिस्कस करेंगे कि मॉडर्न थ्योरी किसने दिया आज क्यों दिया, जबकि ऑलरेडी रिकार्डो अपनी रेंट थ्योरी दे चुके थे. देन मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट को देने की ज़रूरत क्यों पड़ी, सो फर्दर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे. मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट इज़ एन एम्प्लीफाइड एंड मॉडिफाइड वर्जन ऑफ रिकार्डियन थ्योरी. It was first of all discussed by G.S. Mill and subsequently followed by economists Jevons, Pareto, Marshall and John Robinson. ये जो modern theory of rent है वो Ricardo की rent theory पे एक सुधार है. इसको सबसे पहले G.S. Mill ने दिया है, further इसे Jevons, Pareto, Marshall and John Robinson and other economics ने carry forward करते हुए इसे develop किया. According to modern economics, rent is a surplus which is not because of land only, it can be a part of income of labor, capital, entrepreneur. According to modern economics, rent एक ऐसा surplus है जो कि केवल लैंड से ही गेन नहीं किया जाता, बल्कि लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जितने भी इकोनॉमी में डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है सभी से गेन किया जाता है. मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने अपनी थ्योरी को फॉर्मुलेट किया है, रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग. अब एक्चुअल अर्निंग क्या होता है? एक्चुअल अर्निंग मीन्स एट प्रेजेंट जॉब जो भी अर्निंग की जाती है दैट इज कॉल्ड एक्चुअल अर्निंग. ट्रांसफर अर्निंग वन जॉब से जब दूसरी जॉब में शिफ्ट किया जाता है और उससे जो भी गेन होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर अर्निंग. और इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ट्रांसफर अर्निंग को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन जॉब सर्च करता है और उसको एक साथ दो जॉब के ऑफ़र मिल जाते हैं, ऐसे में उसे एक जॉब 30,000 ऑफ़र प्रोवाइड करती है, अदर जॉब 40,000 का ऑफ़र प्रोवाइड करती है. अब इसमें कंडीशन ये है कि जो 30,000 की जॉब है उस जॉब में उसे वो घर के नियरेस्ट हैं, एंड अदर जॉब जो 40,000 प्रोवाइड कर रही है वो घर से बहुत दूर है. 30,000 की जॉब में टाइम टेकिंग कम है, 40,000 की जॉब में टाइम टेकिंग ज़्यादा है. अब आपको बता दूं कि कोई भी पर्सन किसी काम को करने से पहले वो उसकी कॉस्टिंग देखता है, दैन डिसीज़न लेता है. इसी तरह से वो पर्सन जिसको जॉब का ऑफ़र मिला है वो 30,000 की जॉब को चूज़ करेगा, किसके स्थान पे? 40,000 के जॉब के स्थान पे. क्यों? क्योंकि 30,000 की जॉब जो है उसमें आने जाने का जो कॉस्ट है वो कम है, टाइम टेकिंग कम है, एनर्जी कम वेस्ट होगी. वहीं पर जो 40,000 की जॉब है उस जॉब में टाइम टेकिंग भी ज़्यादा है, आने जाने की कॉस्टिंग ज़्यादा है एंड एनर्जी भी ज़्यादा है. दैट्स वाई वो 30,000 की जॉब को चूज़ करेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर अर्निंग. एक बार और बता दूं, एक्चुअल अर्निंग क्या है? कोई भी पर्सन या कोई भी वर्कर अपनी प्रेजेंट जॉब से जो भी गेट कर रहा होता है, जो भी गेन कर रहा होता है दैट इज कॉल्ड एक्चुअल अर्निंग. अब यहाँ पे एक्चुअल अर्निंग से उसको 1,000 गेन हो रहा है, वहीं पर ट्रांसफर अर्निंग से उसको 700 गेन हो रहा है, जैसा कि हमने इसमें फॉर्मुलेट किया है, एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग. देन 1,000 माइनस 700 इज इक्वल टू 300, दैट इज कॉल्ड रेंट. फर्दर हम इसके फीचर्स एक्सप्लेन करेंगे. फीचर्स ऑफ मॉडर्न थ्योरी,
और assumption of modern theory. First assumption ये है, rent can be part of income of all factor of production. जो rent है वो जितने भी इकोनॉमी में फैक्टर हैं सभी का पार्ट है, ना कि सिर्फ लैंड का. रेंट डिपेंड अपॉन एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. जो रेंट है वो एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग का पार्ट है, जिसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट, एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग के बीच गैप जितना ज़्यादा होगा रेंट भी उतना ही ज़्यादा होगा. अगर गैप कम है देन रेंट कम होगा, अगर गैप ज़्यादा है देन रेंट ज़्यादा होगा. फर्दर आई एक्सप्लेन, रेंट अराइजेज व्हेन द सप्लाई ऑफ फैक्टर इज परफेक्टली इनइलास्टिक और लेस इलास्टिक. रेंट तभी अराइज होगा जबकि जो उत्पादन के साधन हैं वो परफेक्टली मीन्स पूर्णतया बेलोचदार होंगे या कम लोचदार होंगे. नेक्स्ट, नो रेंट अराइजेस व्हेन सप्लाई ऑफ फैक्टर इज परफेक्टली इलास्टिक. उस कंडीशन में रेंट बिल्कुल भी गेन नहीं होगा जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो भी उत्पादन के साधन हैं वो पूर्णतया लोचदार होंगे. मीन्स अगर उनका क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है देन ऐसे सिचुएशन में किसी भी फैक्टर से कोई भी रेंट गेन नहीं होगा. थैंक यू स्टूडेंट्स.